I thank all briefers for their inputs. I shall now make a statement in my capacity as the Prime Minister of India. Excellencies, maritime security par is ahem charcha mein judne ke liye aap sabhi ka dhanyawad. मैं सिक्योरिटी जनरल के सकारात्मक संदेश और यूएनओडीसी की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर द्वारा ब्रीफिंग के लिए आभार व्यक्त करता हूं. मैं रूस के राष्ट्रपति, केन्या के राष्ट्रपति और वियतनाम के प्रधानमंत्री की उपस्थिति के लिए भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं. एक्सलेंसीज, समंदर हमारी साझा धरोहर है. हमारे समुद्री रास्ते इंटरनेशनल ट्रेड की लाइफलाइन है और सबसे बड़ी बात यही है कि ये समंदर हमारे प्लेनेट के भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है. लेकिन हमारी इस साझा समुद्री धरोहर को आज कई प्रकार की चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. पायरेसी और आतंकवाद के लिए समुद्री रास्तों का दुरुपयोग हो रहा है. अनेक देशों के बीच मैरिटाइम डिस्प्यूट्स हैं और क्लाइमेट चेंज तथा प्राकृतिक आपदाएं भी मैरिटाइम डोमेन से जुड़े विषय हैं. इस व्यापक संदर्भ में अपनी साझा सामुद्रिक धरोहर के संरक्षण और उपयोग के लिए हमें आपसी समझ और सहयोग का एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए. ऐसा फ्रेमवर्क कोई भी देश अकेले नहीं बना सकता. यह एक साझा प्रयत्न से ही साकार हो सकता है. इसी सोच के साथ हम इस महत्वपूर्ण विषय को सुरक्षा परिषद के समक्ष लेकर आए हैं. मुझे पूरा विश्वास है कि आज की हाई लेवल चर्चा से विश्व को मैरिटाइम सिक्योरिटी के मुद्दे पर मार्गदर्शन मिलेगा. एक्सलेंसीज, इस मंथन को स्ट्रक्चर देने के लिए मैं आपके समक्ष पांच मूलभूत सिद्धांत रखना चाहूंगा. पहला सिद्धांत, हमें मैरिटाइम ट्रेड में बैरियर्स हटाने चाहिए. हम सभी की समृद्धि मैरिटाइम ट्रेड के सक्रिय फ्लो पर निर्भर है. इसमें आई अड़चनें पूरी वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए चुनौती हो सकती है. फ्री मैरिटाइम ट्रेड भारत की सभ्यता के साथ अनादि काल से जुड़ा हुआ है. हजारों वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता का लोथल बंदरगाह समुद्री व्यापार से जुड़ा हुआ था. प्राचीन समय के स्वतंत्र मैरिटाइम माहौल में ही भगवान बुद्ध का शांति संदेश विश्व में फैल पाया. आज के संदर्भ में भारत ने इसी खुले और इंक्लूसिव एथोस के आधार पर सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन का विजन परिभाषित किया है. इस विजन के जरिए हम अपने क्षेत्र में मैरिटाइम सिक्योरिटी का एक इंक्लूसिव ढांचा बनाना चाहते हैं. यह विजन एक सेफ, सिक्योर और स्टेबल मैरिटाइम डोमेन का है. फ्री मैरिटाइम ट्रेड के लिए यह भी आवश्यक है कि हम एक दूसरे के नाविकों के अधिकारों का पूरा सम्मान करें.
दूसरा सिद्धांत मैरिटाइम डिस्प्यूट्स का समाधान शांतिपूर्ण और अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर ही होना चाहिए। आपसी ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस के लिए यह अति आवश्यक है। इसी माध्यम से हम वैश्विक शांति और स्थिरता सुनिश्चित कर सकते हैं। भारत ने इसी समझ और मैच्योरिटी के साथ अपने पड़ोसी देश बांग्लादेश के साथ अपनी मैरिटाइम बाउंड्री को सुलझाया है। तीसरा सिद्धांत, हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स इनके द्वारा पैदा किए गए मैरिटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए हैं। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। पायरेसी को रोकने के लिए भारतीय नौसेना में 2008 से हिंद महासागर में पेट्रोलिंग कर रही है। भारत का वाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन फ्यूजन केंद्र हमारे क्षेत्र में साझा मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस बढ़ा रहा है। हमने कई देशों को हाइड्रोग्राफिक सर्वे सपोर्ट को और समुद्री सुरक्षा में प्रशिक्षण भी दिया है। हिंद महासागर में भारत की भूमिका एक नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर के रूप में रही है। चौथा सिद्धांत, हमें मैरिटाइम एनवायरनमेंट और मैरिटाइम रिसोर्सेज को संजोकर रखना होगा। जैसा कि हम जानते हैं, ओशंस का क्लाइमेट पर सीधा इंपैक्ट होता है और इसलिए हमें अपने मैरिटाइम एनवायरनमेंट को प्लास्टिक्स और ऑयल स्पिल्स जैसे प्रदूषण से मुक्त रखना होगा और ओवर फिशिंग और मरीन पोचिंग के खिलाफ साझा कदम उठाने होंगे। साथ ही हमें ओशन साइंस में भी सहयोग बढ़ाना चाहिए। भारत ने एक महत्वाकांक्षी डीप ओशन मिशन लॉन्च किया है। हमने सस्टेनेबल फिशिंग को प्रोत्साहन देने के लिए भी कई पहलें ली हैं। पांचवा सिद्धांत, हमें रिस्पॉन्सिबल मैरिटाइम कनेक्टिविटी को प्रोत्साहन देना चाहिए। यह तो स्पष्ट है कि समुद्री व्यापार को बढ़ाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण आवश्यक है, लेकिन ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के डेवलपमेंट में देशों की फिस्कल सस्टेनेबिलिटी और एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी उसको भी ध्यान में रखना होगा। इसके लिए हमें उचित वैश्विक नॉर्म्स और स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। एक्सलेंसीज, मुझे विश्वास है इन पांच सिद्धांतों के आधार पर मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन इसका एक वैश्विक रोड मैप बन सकता है। आज की ओपन डिबेट की उच्च और सक्रिय भागीदारी यह दिखाती है कि यह विषय सुरक्षा परिषद के सभी सदस्यों के लिए महत्वपूर्ण है। इसके साथ मैं एक बार फिर आपकी उपस्थिति के लिए आपका आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद।